ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को, दिस इज़ योर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट, फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट, ये है आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल स्टार्ट डेट, तो फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो जो कैपिटल आपकी इस डेट पे है, कैपिटल ऑन दिस डेट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, इसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और ये जो कैपिटल होती है आपकी इसको हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह से कोई और भी फाइनेंशियल ईयर होगा तो फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट पर जो कैपिटल है दैट इज़ योर ओपनिंग कैपिटल, और लास्ट डेट पे जो है वो क्लोजिंग कैपिटल है। ये जो क्लोजिंग कैपिटल होती है, ये कैपिटल इफ दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इट मीन्स इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड फॉर ऑल अप्रोप्रिएशंस। मतलब जो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, सैलरी देते हो, कमीशन देते हो, वो सब इसमें जुड़ चुका है। अगर कोई ड्राइंग्स है तो इसमें एडजस्ट हो चुकी है। ये आपकी एंडिंग कैपिटल है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये वाली जो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे होती है। अब कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे आपको निकालनी है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकालनी है, आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालनी है। तो मान लीजिए ओपनिंग डेट पे कैपिटल थी 1 लाख रुपीज़ और क्लोजिंग डेट पे थी 2 लाख रुपीज़, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख पे कैलकुलेट करना है। दिस इज़ द मेन कंसेप्ट। अब अगर क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, आप उसके ऊपर कैलकुलेट कर लीजिए। बट अगर क्वेश्चन ने क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा और उस पर फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, ये हमारा कंसेप्ट है। तो इफ़ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन देन फर्स्ट फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, ये हमें ध्यान रखना है इस बात का, अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया तो ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा। अब क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालेंगे, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। कैपिटल अकाउंट है आपके पास में, अगर करेंट अकाउंट में बैलेंस है तो तो वो ओपनिंग कैपिटल नहीं, देखो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो काम आसान है, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट्स करेंट अकाउंट में चले जाएंगे और हमें यहाँ पर कैपिटल बैलेंस सीधा सीधा मिल जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल वाले मेथड अगर फॉलो हो रहा है तो योर जॉब इज़ ईजी, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं उसके अंदर, वो तो सब करेंट अकाउंट में चला गया। समझ नहीं, जब बैलेंस शीट में अगर देखा हो नीलम, ये 27 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है। अब जैसे इसमें देखिए कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो इस करंट अकाउंट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इस कैपिटल अकाउंट से ही मतलब है। इसको आपको देखना है कि इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट हुआ है तो आप एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है? ओके दक्ष, आपको ये कैपिटल अकाउंट पता है? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस सर, उसका फॉर्मेट पता है, उसका फॉर्मेट पता है। फिक्स्ड मेथड होता है एक, और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, ये मालूम है आपको? मतलब यस सर, फिक्स्ड में सर अलग अलग करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में सर जो
पार्टनर्स कैपिटल होता है, पार्टनर्स करंट होता है, वो एक साथ वो बनाते दोनों एक साथ होता है. गुड, ठीक है ना. तो अब इंटरेस्ट ऑन, अच्छा ये भी आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है. ये मुझे ओपनिंग कैपिटल और ये निकालने नहीं आता ये क्लोजिंग निकालने नहीं आते, कैपिटल ठीक से. है. तो वही हम अभी सीख रहे हैं. सो फिक्स्ड ओके सर. कैपिटल मेथड में क्या होता है, सिर्फ कैपिटल के ट्रांजैक्शन एक अलग अकाउंट में चले जाते हैं. अगर कोई नया कैपिटल एडिशन हुआ है तो वो क्रेडिट में जाएगा, अगर कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो क्रेडिट में जाएगा. बस तीन ही तरह के ट्रांजैक्शन इसमें आते हैं, ओपनिंग बैलेंस, न्यू कैपिटल एडिशन, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन. तो इसमें आपको बहुत कम एडजस्टमेंट करना पड़ता है. मान लीजिए क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या क्या यस सर. एडजस्टमेंट करना रहेगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऐड कर दो, और अगर कोई नया कैपिटल एडिशन हुआ तो उसे लेस कर दो, तो आप ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे. ड्राइंग ऐड करके माइनस. देखिए ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, दिस इज माय क्रेडिट साइड यस सर. एंड दिस इज माय डेबिट साइड. ये यस क्लोजिंग बैलेंस है, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, येलो कलर किया हमने इसे क्लोजिंग बैलेंस है, यस सर. और जिसको हमने ब्लू कलर किया दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना. तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचना है, क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचना है, तो जितनी भी चीजें डेबिट की तरफ आती है वो सब ऐड हो जाएगी. ओके सर. जो भी चीज डेबिट में आती है वो ऐड हो जाएगी, और जो क्रेडिट में आती है वो सारी चीजें लेस हो जाएगी. ओके. ड्राइंग्स ड्राइंग्स और तो अगर ओके फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो ड्राइंग्स विल बी एडेड, यस सर. और न्यू कैपिटल अगर कुछ पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर ऐड करी है तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड. ओके सर. ठीक है श्रेया, आपको समझ आया? ओके यस सर. ठीक है ना. तो श्रेया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इन सब से कोई मतलब नहीं है अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तब. ओके सर. ठीक है ना. ये लॉस का शेयर है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब करंट अकाउंट में चली गई. हमें सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सिर्फ इतना ही एडजस्टमेंट देखना है, क्लोजिंग बैलेंस, अगर कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो ऐड कर दो, अगर कोई न्यू कैपिटल एडिशन है तो लेस कर दीजिए, तो आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पे पहुंच जाएंगे. रिमी आप लेट हैं. सॉरी सर, एक्चुअली ना मैं सो गई थी, मेरे को पता नहीं लगा टाइम हो तो गया, कल से लगता है मुझे मैं आपको उठाना एक्सप्रेस ही पड़ेगा. नहीं हो. हाँ ठीक है सर. हुई थी ना ओके. कि शुरू में क्या होता है, मेरे शुरू का कॉन्सेप्ट छूट जाता है फिर. सर. ओके चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो हमने क्या बेसिक, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जस्ट 2 मिनट में आपको ब्रीफ दे देता हूँ. हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन 28 हम पढ़ रहे हैं. इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. ये हमारा कंसेप्ट है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा तो वो ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाएगा. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिमी, यस सर. ठीक है ना. तो अगर क्वेश्चन ने मुझे ओपनिंग कैपिटल दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट परसेंटेज निकाल दो, आपका काम हो जाएगा. अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा. क्लोजिंग यस. कैपिटल तो एंड, उसमें हाँ क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का मीनिंग आपको ध्यान है, यस सर. वो आपको ध्यान है, ठीक है. तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बात कैपिटल की हो रही है तो कैपिटल अकाउंट्स या तो फिक्स मेथड से मेंटेन हो सकते हैं या फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन हो सकते हैं. यस सर. तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉलो हो रहा है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे. अगर ओके फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा. तो अगर फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है तो एक कैपिटल अकाउंट अलग होगा और करेंट अकाउंट अलग होगा. यस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरीड डाउन, दो चीज आएगी. फिर अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर ने कोई नया कैपिटल डाला है तो वो ऐड होएगा. अगर कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो वो लेस होता है. तो ये हमारा नॉर्मल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये चार तरह के नहीं ट्रांजेक्शन आते हैं. समझ आया.
नहीं, ये तो कैपिटल अकाउंट बनाया है ना अभी, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है। हाँ अगर कोई नई कैपिटल डलेगी तो क्रेडिट में आएगा, हाँ ठीक है ना, बाय कैश या बाय बैंक। अगर कोई ड्रॉइंग्स होएगी तो डेबिट में आएगा यस और फिर बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट है। करेंट अकाउंट में क्या होएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, ये सब क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। लॉस का शेयर, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब हमारा डेबिट में आएगा। समझ आ रही है मम्मी? यस सर ठीक है ना। तो फिक्स कैपिटल में एक कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल से संबंधित ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में चले जाते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट एक बार जान लिया वापस से। अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो येलो वाला है, इससे हमें पहुंचना है ओपनिंग कैपिटल पे, क्योंकि इसी पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है जी रिम्मी। यहाँ पहुंचना है मुझे इधर। तो इसका सबसे सही तरीका क्या है कि जो भी आइटम डेबिट साइड में आ रहा है उनको हम ऐड करेंगे, और जो भी आइटम क्रेडिट साइड में आ रहे हैं उन्हें हम लेस करेंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया? उस टाइम भी तो यही कर रहा था ना। हाँ जी, हाँ यही कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। क्लोजिंग कैपिटल ऐड आइटम्स ऑन डेबिट साइड, लेस आइटम्स ऑन क्रेडिट साइड। तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी बात है। अब डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। दक्ष, समझ में आई बात? यस सर। ओके सो रिमी, आज एक और स्टूडेंट ने हमारे साथ ज्वाइन किया, उनका नाम दक्ष है। तो हम लोग दो जने थे पहले स्टूडेंट्स, अब तीन जने हो गए हैं। ना कौन है? दक्ष अभी बोला ना उसने, यस सर। हाय हाय दक्ष। ओके तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर मान लीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, ये तो फिक्स मेथड था, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो ये सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल और करंट अकाउंट वाले सारे मिला करके एक ही अकाउंट में चले जाते हैं, जो कि बोला जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट में चले जाएंगे तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे और सारे अकाउंट, सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस, न्यू कैपिटल, सब एक ही अकाउंट में चला जाएगा। तो भी हमारा बात वही है, स्टिल मेथड मेरा यही रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस आइटम्स ऑन डेबिट साइड माइनस आइटम्स ऑन क्रेडिट साइड। बस फर्क क्या रहेगा, यहाँ पर आइटम ज़्यादा हो जाएंगे फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। हम इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा डिटेल में लिख करके देखते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हुआ तो हमारा फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, देखिए। ये है क्लोजिंग कैपिटल एड, डेबिट में क्या तो क्या होता आज तो फिक्स कैपिटल। हाँ जी, नो सर। फ्लक्चुएटिंग वाले में डेबिट साइड में क्या क्या आता है कैपिटल अकाउंट में, बताइए रे। मैं एक आइटम आ क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग ड्राइंग्स आता है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जस्ट वेट जस्ट वेट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यस सर। हाँ फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर लॉस। हाँ तो P&L अप्रोप्रिएशन अगर लॉस हो तो, ठीक है ना। तो ये हमारे मेन मेन आइटम्स हैं जो कि डेबिट की तरफ आते हैं, तो ये ऐड हो गए। अब लेस, श्रेया बताइए क्रेडिट में क्या क्या आएगा। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट प्रॉफिट आ गया।
ठीक है ना, मेन मेन आपके यही आइटम्स हैं, ठीक है ना, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, एक कमीशन भी होता है। तो ये आपका फॉर्मूला बन, और ये जब आप कर दोगे तो यहाँ पर आपकी कैपिटल आएगी। तो अगर आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट याद है, कैपिटल अकाउंट का आपको फॉर्मेट याद है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों सिस्टम में, तो सिंपल ये वाली चीज़ आप फॉलो करिए, क्लोजिंग कैपिटल, ऐड आइटम्स ऑन डेबिट साइड, लेस आइटम्स ऑन क्रेडिट साइड, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर उस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर दो, जो भी 5% 10% है दैट यू कैन कैलकुलेट। दक्ष आपको समझ आ गया? यस सर। ओके रिमी समझ आ गया? यस सर। ओके तो अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, अच्छा जरूरी नहीं है कि सारे आइटम हर क्वेश्चन में आए, किसी क्वेश्चन में कोई आइटम होगा, किसी क्वेश्चन में कोई आइटम होगा। सो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। ये तो हम लोग पहले भी करते थे ना। पहले कब करते थे? पहले जो डेबिट साइड वाले को प्लस करते थे और फिर क्रेडिट साइड वाले को माइनस करते थे ओपनिंग कैपिटल निकालने। हाँ तो यही करते हैं, पहले बाद में हमेशा यही करेंगे, यही तरीका है, है ना। सो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर, इस साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो फर्स्ट हमको जजमेंट क्या करना है, भाई ओपनिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, इसने हमें 31 मार्च की बैलेंस शीट दे दी। अगर बैलेंस शीट दे दी है 31 मार्च 2022 की, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट का कैपिटल अकाउंट लिखा है, इट मींस ये क्लोजिंग कैपिटल है। ये बात समझने वाली है, वरना स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ कैपिटल लिखी है, फटाफट इस पे इंटरेस्ट लगा देगा। ये मेन है लॉन्ग और शॉर्ट। हाँ जी लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर्स का नाम है। हाँ, है ना, लॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट्स कैपिटल अकाउंट, लॉन्ग नेम है। हाँ लॉन्ग नेम है। ओके लॉन्ग नेम है, शॉर्ट भी नेम है। तो लॉन्ग की कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट की कैपिटल अकाउंट, 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट दी है, मतलब इसमें एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, क्लोजिंग कैपिटल है। क्या क्या एडजस्टमेंट हो चुके हैं आगे देखिए। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू ₹40,000 एंड शॉर्ट विड्रू ₹50,000। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने ₹40,000 विड्रॉ किए, मतलब ड्राइंग्स करिए, शॉर्ट ने ₹50,000 ड्राइंग्स करिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000, आउट ऑफ विच 1,00,000 वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ₹1,50,000 का प्रॉफिट था, उसमें से ₹1,00,000 जनरल रिजर्व में गया, बाकी का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है ना। तो हमें ये समझ आ गया कि भाई ये तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर दी हुई है, पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है। कहीं कुछ क्वेश्चन ने लिखा नहीं है कि फिक्स्ड मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, अगर तो कुछ फ्लक्चुएटिंग तो हम फ्लक्चुएटिंग मान लेंगे, ठीक है जी। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं 28 का। देखिए आप स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस से, 1,20,000 एंड 1,40,000, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया 120 एंड 140। नेक्स्ट इसने हमें ड्राइंग्स दिए हैं, तो ड्राइंग्स अगर दी हुई है, ड्राइंग्स आती है डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट में, सो ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग्स, 40,000 और 50,000 को हम ऐड कर देंगे। हाँ जी सर, ड्राइंग कहाँ है? लिखा है ना ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000, लॉन्ग विड्रू मींस ड्राइंग, ड्रॉ करना, विड्रॉ करना है, सेम थिंग। ओके ठीक है ना, ये तो ड्राइंग्स हमने ऐड कर दिया। फिर प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, प्रॉफिट 1,50,000 रुपए था, उसमें से 1,00,000 जनरल रिजर्व में गया, जो कि आपका बैलेंस शीट में दिख भी रहा है 1,00,000 जनरल रिजर्व, बाकी का 50,000 जो है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है, मतलब इट इज़ इक्वल, ठीक है ना। तो 50,000 रुपये हमने 25,000 रुपये, तो प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट में आता है, 75,000, तो 25,000 हमने लेस कर दिया। तो अब आप ये एड लेस कर दीजिए, तो ओपनिंग बैलेंस आपको मिल गया यहाँ पे
135,000 एंड 165,000। अब इस 25,000 क्यों ले सकते हैं? हाँ जी देखिए, 150,000 प्रॉफिट है उसमें। ओके ओके सर, गॉट इट, ठीक है सर। सर मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। कहाँ से आपको समझ नहीं आया? सर मेरे को वहाँ से प्रॉफिट से मतलब विड्रॉ जो करे तो फिर उसको माइनस करेंगे 40,000 प्लस 50,000। देखो ड्राइंग्स तक समझ आ गया? सॉरी प्लस करें, प्लस ही तो किया है, ऐड किया है ना। अब प्रॉफिट का शेयर, 1,50,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, उसमें से 1,00,000 तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। हाँ। मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 नहीं गया। सर समझ गए। और फिर प्रॉफिट जो हुआ वो क्रेडिट में आता है, इसलिए लेस कर दिया। क्रेडिट साइड आता है तो इसके लिए आपने लेस कर दिया। अब ओपनिंग बैलेंस आ गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पर 8% से निकाल दिया, हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ओके ठीक है ना। तो अब अलग अलग स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर आप पूरे इंडिया में देखने आओगे तो अलग अलग जगह गलती करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, ओपनिंग पे करना होता है भूल जाएंगे, इसी पे कैलकुलेट कर देंगे। तो अपना म्यूट कर मतलब। हाँ ये किसका अनम्यूट है? दक्ष का सर। हाँ ठीक है, उसने कर लिया। ओके ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी पर इंटरेस्ट निकाल देंगे तो वो उनका गलत हो जाएगा। कुछ लोग इसका प्लस माइनस करने में गलती कर जाएंगे तो उनका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये सब ट्रैप्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, इन्हें हमें फंसना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सर फिक्स्ड वाला बता दीजिए। हाँ जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं हम करते जाएंगे। अमित एंड भ्रमित, अब भ्रमित भी नेम है देखिए यहाँ पे, एक्चुअल में तो भ्रमित नाम कभी होता नहीं है। अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। फर्स्ट अप्रैल 2021 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ ओपनिंग दिया तो विद कैपिटल तो 15,00,000 से 9,00,000, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। ऑन 1 अक्टूबर 2021 मीन्स 6 महीने बाद दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लैक्स ईच। उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार अपनी कैपिटल 12 लाख होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, अमित की 15 लाख थी, उसको 12 लाख अगर करनी है तो 3 लाख रुपये वो ड्रॉइंग्स कर लेगा। अमित विड्रॉ कर लेगा। भ्रमित की 9 लाख थी, उसको 12 करनी है तो वो 3 लाख रुपए ऐड कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा एडिशनल। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। चेक के थ्रू उन्होंने एडजस्ट करने के लिए या तो पैसा डाला है या निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 8% पर एनम से, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर कोई ओपनिंग कैपिटल निकालने वाला हिसाब किताब नहीं है, ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कितने दिन पैसा यूज हुआ, जितने दिन पैसा यूज हुआ उतने दिन का इंटरेस्ट दिया जाता है। कितने दिन पैसा यूज हुआ उतने दिन का इंटरेस्ट दिया जाता है ना। जैसे पहले हमने बात करी थी कि जितने चक्कर झूले के आप खाओगे उतने पैसे आप देते हो, तो उसी तरह से जितने दिन यहाँ पैसा यूज़ हुआ उतने दिन का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट होगा। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। 29 देखिए अमित का करते हैं पहले। 1 अप्रैल 21 को उसकी कैपिटल थी 15 लाख रुपए। 1 अप्रैल को 15 लाख रुपए थी, 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल 12 लाख हो गई। सिक्स मंथ है ना। तो 6 महीने तक उसने 15 लाख रुपए फर्म को दिए, 6 महीने तक उसने 15 लाख फर्म को दिए। तो 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। फिर नेक्स्ट आगे 6 महीने के लिए यहाँ पर 12 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 1,08,000। भ्रमित के 9 लाख रुपीज 6 महीने के लिए यूज हुए थे। बिकॉज 1 अक्टूबर से उसने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए है ना, अब उसकी कैपिटल 12 लाख हो चुकी है। सिमिलरली 1 अप्रैल से भ्रमित के 9 लाख रुपए थे, इसको हम 9 कर देंगे, और 1 अक्टूबर से उसकी 12 लाख रुपीज हो गया। तो अब यहाँ से 6 महीने के लिए आप इसको 12 लाख कर दोगे, तो ये आपका यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली पीरियड, कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उस कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है।
अब पहले वाला क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं उसे चेक कर रहा था। ठीक है श्रेया, समझ आ गया क्वेश्चन? यस यस ओके। दक्ष, आपको समझ आ गया? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। मोली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने 20,000 और 10,000 कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट किया। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। 6% से वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। दे रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। 1500 रुपये प्रॉफिट है। अब आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। दो केस है। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब कोई एग्रीमेंट नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और किसी चीज़ का। पहले फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, फिर सेकंड पे जाएंगे। तो भी सर 6% नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो एग्रीमेंट है, तो 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। ठीक है ना। अब इसको एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं, एक P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ बनाते हैं हम। पर्टिकुलर अमाउंट सर, अगर अग्रीमेंट नहीं होता तब तो नहीं लेते। हाँ, फिर नहीं मिलता। हाँ, ठीक है ना। अब प्रॉफिट कितना दिया? प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट 1500 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना, आप यहाँ लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मूली और भूली। कितना कितना? 20,000 और 10,000। 6% से देना है। 20,000 पे 6% कितना होएगा? देखिए सिंगल डिजिट करना है, 2 0 हटा दो, 6 2 12 1200 रुपये। 1200 रुपीज़ इसका हो गया। अब भूली का हो गया, 2 0 हटा दीजिए, 600 रुपये इसका हो गया। 600। ठीक है ना, 600 हो गया, 600 ही होएगा ना। ठीक है जी। अब आप देखिए, फिर हम यहाँ क्या करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर मूली और भोली। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्रॉफिट तो था 1500 रुपये का। ये सर मेरा प्रॉब्लम। हाँ, तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट से वैसे ही ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट कहाँ बांटेंगे? इवन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो गया तो मूली को धूँ या भोली को, किसको दें पैसा, किसको दें पैसा और कितना दें पैसा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा क्या कंसेप्ट आ रहा है, वेयर अप्रो appropriations आर ग्रेटर देन, appropriations आर ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। है ना, ये ध्यान रखना है। यूजुअली क्या होगा, क्या कंसेप्ट बोला जाता है क्लास में कि appropriations आर ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट, सिर्फ इतना बोला जाता है। फिर एग्जाम में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा और आपसे गलती हो जाएगी। तो पूरा बोलना है वेयर appropriations आर ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस क्वेश्चन में नहीं है, दैट इज़ फाइन। अब अप्रोप्रिएशन अगर ज़्यादा है तो क्या करें? तो ऐसे केस में क्या करना है, जितना भी अप्रोप्रिएशन है उसका एक नया रेशियो निकाल लो। जितना भी अप्रोप्रिएशन है उसका एक नया रेशियो निकाल लें और उस रेशियो में 1500 रुपये को बांटेंगे। जितना पैसा उससे ज़्यादा तो आप बांट नहीं सकते, अल्टीमेटली बांटना 1500 ही है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना है। अब एक नया रेशियो कैलकुलेट होगा अप्रोप्रिएशंस के बेस पे। तो अप्रोप्रिएशन कितना कितना है, 1200 मोली भोली इंटरेस्ट 1200 600। अब इसका एक नया रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1200 और 600 का क्या आएगा, 12:6 या फिर 2:1। तो 2:1 के रेशियो में हम 1500 रुपये को डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स में। अगर इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को हम और आगे एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता कि सैलरी भी होती आपकी यहाँ पे। ठीक है ना, सैलरी मान लीजिए सिर्फ मोली को सैलरी मिल रही है 1000 रुपये, तो टोटल अप्रोप्रिएशन कितने हो जाएंगे मोली के? हो जाएंगे 1200 प्लस 1000 2200,
भूली का हो जाएगा 600, तो आप 2200:600 का रेशियो निकालोगे, 22:6, 11:3। तो जो भी टोटल अप्रोप्रिएशन है उसका एक नया रेशियो कैलकुलेट करोगे और इस रेशियो में नेट प्रॉफिट को आप डिवाइड करोगे। अगर इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता, लेट्स से 100 रुपये, तो फिर हम 1600 रुपये डिवाइड करते हैं, फिर हम 1600 रुपये डिवाइड करते हैं। दक्ष समझ में आ गया आपको? यस सर। वो डिवाइड क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड करेंगे? यस प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, पर कैपिटल तो इतनी ज्यादा है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इतना है, तो कैसे करेंगे? हाँ रिपीट करिए आपका क्वेश्चन सर। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1800 है और प्रॉफिट ही 1500 का हुआ है, तो फिर डिवाइड करेंगे क्या? देखो जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा तो हम दे नहीं सकते। हाँ अभी भी 300 ज्यादा ही दे रहे हैं। नहीं हम 300, 1800 नहीं दे रहे हम ज्यादा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। हम सिर्फ 1500 रुपये देंगे। देखिए सब सैलरी वगैरह मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हम एक्चुअल में क्या देंगे, ये पूरा क्वेश्चन है। 1500 रुपये हम देंगे 1200 और 600, क्या रेशियो बन रहा है? 2:1। तो 2:1 के हिसाब से मोली को क्या मिलेगा? 2/3 × 1500। सिर्फ 1500 ही बांटेंगे और भोली को मिलेगा। अच्छा मतलब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सिर्फ इतने देंगे, सिर्फ इतना ही देंगे बस। मतलब फिर ये नाम भूल जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब, आपको कुल मिला के एक ही बार में पैसा देना है बस। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ना। अब इसमें हम, रिमी समझ आया आपको? हाँ मेरे को। तो जो आपको क्वेश्चन 25 में प्रॉब्लम था वो सेम क्वेश्चन है ये। हाँ मेरे को श्रेया समझा दी। हाँ श्रेया ने आपको समझाया ना, तो क्वेश्चन 25 भी एज इट इज यही क्वेश्चन है। अब आप उसको वापस देखना क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, यहीं पे कंसेप्ट पूरा समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता, लेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 500 रुपये होता, ठीक है ना? तो अब आपके पास में क्या है, हमने क्या कंसेप्ट क्या बनाया, अप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। भाई बांटने के लिए अब आपके पास में 2000 रुपये है, तो अब दिस इज अ नॉर्मल लॉस आया। लॉस कहाँ आया, प्रॉफिट है ना सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट में ड्राइंग ऐड करते और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो हम लोग को रेशियो निकालने का कोई जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना, ये वैसा हो गया। ठीक है रिमी। यस तो क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल प्रॉफिट 2000 रुपये है, 1800 इंटरेस्ट दे दो, बाकी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए फिर यहाँ पर एक और अप्रोप्रिएशन आ जाए, सैलरी आ जाए, सैलरी मान लीजिए 1000 आ गई, तो फिर अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो गया, अवेलेबल प्रॉफिट कम हो गया, तो फिर रेशियो निकालो, फिर रेशियो निकालो। श्रेया समझ आया आपको? यस इसको पहले से। तो कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बांटने के लिए प्रॉफिट 2000 रुपये मेरे पास है, अप्रोप्रिएशन अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो देन देर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है जी। यस तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 30 का पार्ट वन यहाँ में समझ आ गया। 1500 को हमने बांट दिया, तो 1000 रुपये मोली को दे देंगे, 500 रुपये हम भोली को दे देंगे 2:1 के रेशो में। अब सेकेंड पार्ट लॉस क्या लिखा हुआ है? हाँ जी क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। नहीं वो मेरे को पता पड़ गया। आप लॉस, आप दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, आप सेकंड पार्ट का आंसर पढ़ रहे हो आप। हाँ। है ना। अब सेकंड पार्ट क्या है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो हमने ये चीज पहले ही क्लासेस में डिस्कस करी है। अब दक्ष आपको मालूम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं? यस सर वो बताया था आपने। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि आपको ये चीज़ देनी देनी है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो। तो अब इसमें क्या होगा कि इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ से हटा देता हूँ।
इसको भी हटा देते हैं, ये क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से हट जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से बाहर चला जाएगा, ये पी एंड एल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है रिमी? 300 का लॉस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 1800 रुपए, और तो फिर भी 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे देंगे ना, वो तो देना ही है ना, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, है ना, 1800 रुपए तो हमें देना ही देना है। अब प्रॉफिट था 1500, 1800 का और एक खर्चा हो गया, तो मतलब नाउ वी आर हैविंग अ लॉस, टू नेट लॉस, 300 लॉस। रिमी समझ आया लॉस कैसे आया है? नहीं समझ आया। देखिए प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, 1500 का, यस सर, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे आप? 1800 है ना, तो 1500 में से, और 1800 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक तरह से खर्चा है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन देते हो, उस टाइप का खर्चा है, इसको मानना है। यस सर, समझ तो 1800 का अगर मेरा खर्चा है, प्रॉफिट 1500 का, था मतलब 300 का देयर इज अ लॉस। ओके गॉट इट। भाई अगर आप पी एंड एल अकाउंट बनाओगे यहाँ पे, तो ये जैसे इधर नेट प्रॉफिट आएगा, ये पी एंड एल बना रहे हैं, समझ गए? यस सर। दक्ष आप समझ गए? यस सर। ठीक है ना, तो अब ये लॉस हम इधर, लॉस इधर आ जाएगा 300 का। अब आप लॉस ही है इसमें कुछ, जब लॉस हो गया तो कोई अप्रोप्रिएशन कुछ करना है नहीं, कुछ है भी नहीं वैसे, तो आप यहाँ पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मूली कैपिटल अकाउंट एंड फर्स्ट पार्ट में। यस श्रेया सर, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, तो फिर इसमें तो इक्वली शेयर करना चाहिए ना प्रॉफिट को। देखो इक्वली हम देते अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो, ओके, है ना, अब प्रॉफिट अगर नहीं है, अप्रोप्रिएशन ज्यादा है ना, प्रॉफिट का अगर शेयर ही ज्यादा है, तो फिर आपको उसके लिए अलग से अप्रोप्रिएशन का रेशियो लेना पड़ेगा ना, यस सर, इसलिए। और वैसे इसका जो यहाँ पर जो कहने का सेंस था, इसका सेंस एक्चुअली पार्ट वन और पार्ट टू के हिसाब से था, कि पार्ट टू में यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, और पार्ट वन में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं मानना, नॉर्मल अप्रोप्रिएशन ही मानना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 300 रुपये को लॉस को आप डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे जो रिमी को नज़र आ रहा था, मोली के हिस्से में 120 आएगा, भोली के हिस्से में 180 आएगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 यहाँ पर दिया हुआ है। और सर ये तो लॉस हुआ है, तो क्या मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये देंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या देंगे? ये लॉस हुआ है तो इनके कैपिटल से कटेगा, क्या होगा मतलब? अभी तो लॉस ही नहीं दिया है ना, तो ये लॉस को कैसे चुकाएंगे? देखो लॉस अगर होता है तो लॉस की हम एंट्री क्या डालते हैं, लॉस की हम जर्नल एंट्री डालते हैं, यहाँ हम लिखते हैं इसको मोली पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नहीं जी पीएनएल अप्रोप्रिएशन, नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू मोली कैपिटल अकाउंट, भोली कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है ना, 180 रुपए इसका हो गया, 120 रुपए इसका हो गया, 300 रुपए इसका हो गया। तो अब जब कैपिटल अकाउंट में हम इसको करेंगे पोस्ट, तो यस आपने इक्वली शेयर नहीं किया है, इक्वली क्यों करेंगे, प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3, अच्छा 2:3, हाँ दिया हुआ 120 इसका 180 इसका। अब कैपिटल अकाउंट में जब हम इसको पोस्ट करेंगे लेजर में, तो मोली कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ हम लिखेंगे टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, तो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। सो दक्ष आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि इस लॉस के कारण उनका कैपिटल में से पैसा कट हो जाएगा। समझ आया दक्ष आपको? यस सर। उनका जो कैपिटल था 20,000 का, अगर आप इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लीजिए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, मुझे लगा आपको पूरा ठीक से समझ आया नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट है मोली भोली, ठीक है ना, ये डेबिट साइड है,
देन दिस इज द क्रेडिट साइड. यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000 और 10,000, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें मिलेगा, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना था 1,000 1,500, 1,200 1,600, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया. और इस तरफ आएगा आपका लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, 120 का लॉस इसका आ जाएगा, 180 का लॉस इसका आ जाएगा. तो इधर आपका आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, देखिए नॉर्मली इस इनके कैपिटल 21,200 और 10,600 थी. 21,200 में से क्योंकि 120 का लॉस है तो अब इसकी कैपिटल कितनी रह गई, 21,080 है, तो 120 रुपीज़ इसके कैपिटल में से कट गए. इसका 180 है तो इसका कैपिटल कितना रह गया, 10,600 माइनस 180, 10,420. ये कैपिटल अकाउंट इनका बन गया. ठीक है दक्ष, समझ में आ गया आपको? यस सर, अब आ गया. सो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो गया है. यस सर, आज होमवर्क का. आज होमवर्क क्या बोल रहे हैं रिमी? आज होमवर्क ज्यादा मिलेगा. अभी तो होमवर्क, अभी तो क्लास शुरू हुई है, पूरी फुल मेहनत तो हुई है, तो मैं आपसे सॉल्व क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, वरना 100 में से 100 कैसे आएंगे? सर वो तो हम लोग खुद ही कर लेंगे, खुद कर लो. तो ठीक है, आप खुद कर करके मुझे रोज बता दिया करो, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व वाले करते जा रहे हो. ओके सर, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना, तो आज से रिमी रोज जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो सर, तो करे. इन लोग को भी नहीं, इन लोग को भी, ये क्या बात हुई सर? अच्छा नहीं, सबको मिलेगा, सबको ही मिलेगा, पर आपने बोला कि वो तो मैं खुद ही कर लूंगी, तो फिर आप तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो. नहीं सर, देखना कर चलो. देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट है कि जितने क्वेश्चन आप हाथ से करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी. आंसर आएगा वो तो है ही, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, दैट इज वन थिंग. उसके अलावा स्पीड इम्प्रूव होती है, वरना अकाउंट्स का पेपर हमेशा लेंदी लगता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं, है ना. तो अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स के पेपर में दो प्रॉब्लम होती है, एक तो क्या होता है लेंदी लगता है पेपर बहुत, बिकॉज प्रैक्टिस कम है, हाथ से क्वेश्चन नहीं किए. भाई देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं 31 32, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ओरली कर सकते हो, कई लोग तो कैलकुलेटर पर करने लग जाते हैं, है ना. तो हाथ से करोगे तब स्पीड बनेगी, दैट इज़ वन थिंग. और दूसरा क्या होता है कि अकाउंट्स का क्वेश्चन, अकाउंट्स का पेपर जब करने जाओ तो अपनी ईगो को साइड में रखो. ईगो को साइड में रखने का क्या मतलब होता है कि कई बार जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बैलेंस शीट मैच नहीं करती है. अब स्टूडेंट घर से खूब अच्छी प्रैक्टिस करके बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, नॉर्मल बात है, बैलेंस शीट एक प्लस माइनस भी छोटा सा गलत हो गया तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी. अब मन में क्या आता है, ये मेरी बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं हो रही है, और फिर कुश्ती लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं. और उस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका, और फिर सर टाइम भी नहीं होता है, टाइम चला जाता है, टाइम चला जाता है बहुत सर. अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करोगे ना तो कई ऐसे मिलेंगे बैलेंस शीट मैच करने की कोशिश करने में उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिर उसके जब लगा कि यार अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर वो भाग दौड़ा भागी में बाकी ये क्वेश्चन करता, वो भी गलत हो जाते हैं. तो अकाउंट्स के पेपर में बैलेंस शीट मैच कराने की बहुत कुश्ती नहीं लड़नी है, हमें अपनी ईगो साइड में रखनी है. बैलेंस शीट मैच ना होना इज अ नॉर्मल थिंग. अगर मैच हो गई तो बढ़िया, नहीं मैच हुई थोड़ा सा चेक कर लो, नहीं हुई तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ. आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे हैं, हो सकता है कोई सिंपल टोटल की मिस्टेक हो तो आपका आधा नंबर ही कटे, लेकिन मैच करने के चक्कर में आपने आधा घंटा नहीं बिगाड़ना है. तो ये आपको ध्यान रखना है. अकाउंट्स के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा हाथ से करके प्रैक्टिस करोगे दैट इज़ द बेस्ट थिंग. और प्लस एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन से कुश्ती लड़नी नहीं है. चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स. आसान सा है लेकिन इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इसको हम समझते हैं टॉपिक को. आई हेट मैथ सर. देखिए सर,
मैथ्स है जितना पहले मैथ्स हो रहा था उतना ही मैथ्स है ना। अकाउंट्स में तो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, अकाउंट्स तो होता ही ऐसा है भाई। मैथमेटिक्स में तो आदमी शार्प होना चाहिए, अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर नंबर गेम है। कैलकुलेशन तो आता है सर, हाँ जी मेरे को मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैंने लिया भी नहीं है। ओके देखिए, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन की हम यह बात करते हैं। सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी तो ऐसे दिया होगा कि भाई चलो सैलरी आसान सी चीज़ पहले बता देता हूँ। सैलरी दिया होगा जैसे 2000 पर मंथ, ठीक है ना। एक का लिख देंगे 2000 पर मंथ और बी का लिख देंगे, हाँ जी कुछ नहीं पर ईयर, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आया तो सैलरी में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, उसने पर मंथ लिखा है पर ईयर लिखा है। इसमें स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते, और या तो पर मंथ वाले में 12 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं या फिर पर ईयर वाले में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अदरवाइज सैलरी आसान सा है, जितने सैलरी लिखी है उसको आप लिख दो वहाँ पे, दैट इज ईजी। जो समझने वाली बात है दैट इज कमीशन, पार्टनर कमीशन, है ना। क्वेश्चन 30 देखते हैं एक बारी। शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट का 10% उसको कमीशन मिलेगा। नेट प्रॉफिट 1,10,000 रुपये है, तो कमीशन बताओ कितना मिलेगा। शिव पार्टनर है तो कमीशन एप्रोप्रिएशन मिल जाएगा। यस, देखो मैनेजर का कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट। पार्टनर का कमीशन इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो शिव का जो हो गया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का 10% निकाल लो, उतना शिव का कमीशन हो गया 11,000। तो ये आराम से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इतनी सी मैथमेटिक्स थी इसमें बस रिम्मी, इसमें आप घबरा गए थे क्या? नहीं नहीं, मेरे को पता था कि ये छोटा छोटा ही, ये छोटा है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा दैट इज डिफिकल्ट, वो भी छोटा ही है, छोटा बट वही कंसेप्ट हमें समझना है। देखिए पार्टनर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है ना, एक तो लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, एक लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, और एक लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये तीन तरह की लैंग्वेज आपको मिलेगी इसी क्वेश्चन क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अभी जो किया हमने शिव वाला, तो वो ये वाली लैंग्वेज थी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। देखिए वापस से, शिव इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे दिया, उस पर 10% निकालो, बात पूरी है ना। दिस इज ईजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ईजी। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी आपका ईजी है ना। दिस इज सेम, सिंपल नेट प्रॉफिट दिया, उस पर परसेंटेज निकाल लीजिए एंड ओवर। पर ये जो होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो नेट प्रॉफिट है 1,00,000 रुपये, है ना, दिस इज नेट प्रॉफिट। बात को, बात का लॉजिक आप समझें। नेट प्रॉफिट सर मैं समझ गई, ये लास्ट वाला क्या। हाँ तो 1,00,000 रुपये नेट प्रॉफिट है, इस पे 10% कमीशन नहीं देना है। कमीशन मान लो कमीशन कुछ एक्स है कमीशन, तो नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन, नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन, सर आप यही बोलो, 1,00,000 माइनस एक्स, इसके ऊपर निकालना है। अब जब कमीशन मालूम नहीं है तब तो कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट कैसे पता पड़ेगा, है ना। पहले इस बात का मतलब समझो, 2 मिनट इसको दिमाग में बिठाइए। नेट प्रॉफिट 1,00,000 है, कमीशन किस पे देना है, कमीशन माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट पे देना है। समझ आई बात आपको? जैसे इसके लिए एक वो होता है, एक थोड़ी सी पजल होती है। पजल क्या है कि ए
सेज, ए क्या बोलता है, ए सेज दैट बी ऑलवेज, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट क्या आया? हाँ तो अब कमीशन ही नहीं पता तो उसके बाद वाला नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हाँ वही है ना। तो इसके लिए एक तो। पजल होती है, इस पजल का आंसर कौन कर सकता है, देखिए। ए सेज दैट बी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ए बोलता है कि बी हमेशा सच बोलता है, ठीक है ना। बी सेज दैट ए ऑलवेज स्पीक्स लाइज, ए बोलता है बी हमेशा सच बोलता है, बी बोलता है कि ए हमेशा झूठ बोलता है। तो अगर बी की बात मानोगे तो ए की बात भी झूठी हो जाएगी। बी क्या बी, हाँ इसका कोई आंसर नहीं होता इन चीज़ों का, दिस इज अ पैराडॉक्स, है ना। ये अनएक्सप्लेन चीज़ है, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता बी हमेशा ओ हाँ भाई। ए बोल रहा है कि बी हमेशा सच बोलता है, अगर बी हमेशा सच बोलता है तो इट मीन्स कि बी बोल रहा है कि ए झूठ बोलता है, तो ए झूठ बोलता है तो मतलब बी सच नहीं बोलता है। तो दिस इज अ पैराडॉक्स जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसे एक और चीज़ होती है, एक और पजल होती है। मान लीजिए एक रैबिट है, देर इज़ वन रैबिट, वो रैबिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जितना डिस्टेंस है, लेट से उसको 100 मीटर डिस्टेंस पे जाना है, 100 मीटर डिस्टेंस पे जाना है, वो यहाँ पे खड़ा है, दिस इज दिस प्लेस पे वो खड़ा है, उसको 100 मीटर दूर जाना है, यहाँ पे येलो पॉइंट पे जाना है, ये डिस्टेंस 100 मीटर है। अब उस रैबिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जितना रास्ता जितना डिस्टेंस बचा है उसका वो आधा कूदता है, जितना डिस्टेंस बचा है वो उसका आधा एक बार में जंप लेता है। तो जैसे 100 मीटर है तो फर्स्ट जंप लेगा 50 मीटर की, ठीक है ना। ये उसकी यहाँ पर से इतना डिस्टेंस उसको जाना है, तो 100 मीटर का डिस्टेंस है तो वो फर्स्ट जंप लेगा 50 मीटर्स की, फिर बचा 50 मीटर, सेकेंड जंप लेगा वो कितने मीटर की, नहीं जितना डिस्टेंस बचा उसका आधा वो कूदता है, वो 30 50 बचा तो 50 का था, 25 हुआ ना, अच्छा हाँ फिर 25 बचा, नेक्स्ट जंप कितने मीटर की लेगा वो, सर ये 45 देखो पहला जंप 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस है तो आधा जंप लेगा 50 मीटर का, अब कितना बचा, सर हाँ 50 50 सॉरी बचा, अब 20 कितना जंप लेगा 25 का, हाँ अब 25 बच उसके गया, बाद फिर 50 अब 12.5 का लेगा, आधा लेता है ना जंप, 12.5 अब 12.5, अब कुछ इस तरह से अगर वो कूदता है तो क्वेश्चन है कि कितने जंप में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। यस तो ये एक सर पजल है, होमवर्क के साथ साथ पजल है, कल बताना रिम्मी कितने जंप में वो पहुंचेगा। आप में से मैथमेटिक्स किसके किसके पास है, मेरे पास नहीं है सर मेरे श्रेया आपके समझ पास मैथ्स है, नहीं दक्ष आपके पास मैथ्स है, यस सर अच्छा आपके पास है, ओके। तो जिसके पास मैथ्स तो है जो फिर नहीं उसको है, ही बोलिए ना सर हाँ जी आंसर दक्ष कल, आंसर कल। तुम बना के रखना तो उसके पास मैथ्स है तो वो समझ पाएगा इसका कि भाई क्या है ये। सर एक बार फिर से क्या मतलब क्या बताना है? देखिए यहाँ एक रैबिट है, हाँ ये इसका डेस्टिनेशन है ना, गोल है इसका, ये जी सर 100 मीटर का डिस्टेंस है। जी सर रैबिट की क्या खूबी है कि जितना डिस्टेंस है उसका आधा वो एक बार में कूदता है, जितना डिस्टेंस बचा है उसका आधा वो हाँ एक तो सर कभी वो पहुंच ही नहीं पाएगा। कभी वो पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, हाँ सर क्योंकि हमेशा 2 तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, तो 0.0001 डिवाइडेड बाय 2 तो ऐसे होते होते हमेशा पहुंच नहीं कुछ ना कुछ पाएगा। कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस बचेगा ही बचेगा, हाँ तो कुछ भी बचेगा तो उसका आधा ही वो कूद पाएगा। तो थ्योरेटिकली अब एक्चुअल में तो कूद के पहुंच ही जाएगा 100 मीटर पे, बट थ्योरेटिकली हाँ ही विल नेवर रीच। तो ये भी एक तरह का यस पैराडॉक्स है ना। सो दक्ष ने अच्छा आंसर दिया, समझ आया रिम्मी आपको, यस सर श्रेया आपको समझ आया। यस तो सर ऐसे बहुत सारे पजल्स होते हैं जो सॉल्व नहीं होते, जिनका कोई आंसर नहीं है किसी भी साइंटिस्ट के पास भी, ठीक है ना। बट इसका आंसर है हमारे पास में, इसको हम कर सकते हैं, दिस इज ईजी। इसमें क्या है देखिए, इसको क्या करते हैं हम, यूनिटरी मेथड हम इसमें लगाते हैं। यूनिटरी मेथड मतलब जो 100 वाला मेथड होता है, कि मान यस लीजिए सर नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन,
जो है, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद का नेट प्रॉफिट मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है। तो अब आफ्टर कमीशन वाले पे कमीशन लगाना है 10% से, तो 10 रुपये हो जाएगा कमीशन। इट मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन कितना, 110 हो गया, yes. है ना। तो हमको 100 की टर्म्स में रिलेशनशिप मिल गया, 100 की टर्म्स हमें रिलेशनशिप मिल गया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 रुपये अगर है, अज्यूम किया हमने, ये अज्यूम किया है, ये एक मैथमेटिक्स का तरीका होता है करने का इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर कमीशन इज 10% तो 10 रुपये हो गया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 110, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 रुपये हो गया। अब 100 के टर्म्स में पूरा डिफाइंड है, हमारे डेटा में हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मतलब 110 वाली चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, समझ में आई रेमी? यस सर, ठीक है ना। तो अब आपको जो चीज़ पता करनी है, जो आपको मालूम नहीं है, उसको राइट हैंड साइड पे रखेंगे, है ना। तो दिस इज माय LHS और इधर मेरा है राइट हैंड साइड। तो जो मुझे पता नहीं है, मुझे क्या पता नहीं है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मुझे नहीं मालूम, तो मैं इसको 100 रख दूँगा। जो पता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, 110। तो अगर सर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन गिवन होएगा, यस, ठीक है ना। जैसे अगर आप ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, तो इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20,000 रुपये लिखा हुआ है, है ना। बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20,000 लिखा है, कमीशन इज 10%। तो 110 रुपये अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, 110 अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 100, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 100। ये स्टेप है, फिक्स स्टेप है। अगर 1 रुपी होगा, ये वाली चीज़ 1 रुपी होगी, तो दिस विल बी 100/110। और अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,20,000 है, सर 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 मैं नहीं समझी, ये स्टेप्स आपको याद रखनी है। अगर अगर से 110 है, है ना, इधर मैं इसको LHS RHS हटा के यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है ना। अगर 110 रुपये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, तो 100 रुपीज इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है, ऐसा ही लिखना हमेशा। अगर 1 रुपी है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो इधर क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन क्या होगा, 100/110, मतलब इस okay. इस वाले को ऊपर लिख दो, इस वाले को नीचे लिख दो। सर तो हर क्वेश्चन में हमें अज्यूम करना है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, यस, और यही होगा हमेशा आपका, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा। अभी मैं आपको फॉर्मूला या डेरिवेशन बता रहा हूँ थोड़ा सा, yes. आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, आपको ये सब इतना 1-1 करना नहीं पड़ेगा। तो अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,20,000 है, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन विल बी 100/110 और मल्टीप्लाई कर दो 2,20,000 से, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2,00,000 रुपये आ गया। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हमें 2,00,000 रुपये का मिल गया, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 2,20,000 क्या है, 2,20,000 इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन, है ना। अब 2,00,000 पे 10% गिनोगे तो 20,000 कमीशन है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 2,20,000, ठीक है ना। तो अब आपके लिए फॉर्मूला क्या बन गया, 100/100+ कमीशन रेट, है ना, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ आ गया। 100/110 किया ना, ऊपर में भी तो रेट ऑफ कमीशन ही रहता है। हाँ जी सर, ऊपर में भी तो रेट ऑफ कमीशन ही रहता है। नहीं, ऊपर सिर्फ 100, अगर आप देखो, अगर आपको कमीशन निकालना है, इससे हमने क्या निकाला, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकाला। ओके, अगर आपको कमीशन निकालना है, तो फिर आप क्या करोगे, कमीशन रेट डिवाइडेड बाय
तो डिपेंड करता है आपको निकालना क्या है, ठीक है ना? ठीक है, कच्चा कच्चा समझ में आ गया, कल इसको वापस एक बार और पढ़ लेंगे तो कल पक्का हो जाएगा। तो इसका होमवर्क आज नहीं मिलता, आज होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है जी? क्वेश्चन 30 तक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नहीं कल वापस करेंगे जब समझ में आ जाएगा, सोना नहीं है कल, बिल्कुल टाइम से आना है क्लास में। सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट कल ध्यान रखना, ठीक है?